हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं मेरे बच्चे? जल्दी से आ जाओ, फटाफट क्लास को ज्वाइन करो, शेयर करो दबा कर, क्योंकि आज हम शुरू कर रहे हैं अपना अगला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑक्सीकरण अपचयन, जो है ट्वेल्थ का भी बेस। अगर करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी और अगर अपने को रिएक्शंस को बनाना है बहुत ही ईजी, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ये चैप्टर बहुत ही जोश के साथ और ध्यान से, तभी जाके 11th के साथ 12th भी होगा एकदम क्लियर। तो जल्दी से आ जाइए, फटाफट क्लास को ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम सब मिलकर पढ़ सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय और ऑक्सीकरण अपचयन, ठीक है जी? आइए, परिचय किसका? रेडॉक्स अभिक्रिया। बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है, सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया प्रतिक्रिया इलेक्ट्रॉनों के लाभ और हानि को कहते हैं। लाभ और हानि मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना मतलब लाभ। यदि हमसे कोई पैसे लेता है, अगर आपसे कोई पैसा ले रहा है, इसका मतलब पैसे में कमी आ रही है, तो वो हो गई हानि। और हमें कोई पैसा दे रहा है, इसका मतलब वहां हो गई पैसे में वृद्धि, तो वो हो गया लाभ। तो ऑक्सीकरण अपचयन में इलेक्ट्रॉन बेस होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया हमेशा इलेक्ट्रॉन पर आधारित होती है, ठीक बात? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ होता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यह अध्याय रेडॉक्स प्रतिक्रियाओं, ऑक्सीकरण संख्या और आयन इलेक्ट्रॉन विधि और ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा रेडॉक्स प्रतिक्रियाओं के संतुलन पर आधारित समस्याओं से संबंधित है। यानी कि अभिक्रियाएं जो क्या करती हैं, ऐसी रेडॉक्स अभिक्रियाएं जो ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ करती है, जिनमें ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का निकलना एक साथ होता है, वहां पर रेडॉक्स अभिक्रिया देखी जाती है। कौन सी अभिक्रिया बेटा? रेडॉक्स अभिक्रिया। बात समझ में आई? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर आपको ये देखना होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन जो हैं वो वहां से रिमूव हो रहे हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? जल्दी से बता दीजिए यस और नो। आरजू, शबनम, ओके ओके, जल्दी से बताइए बेटा, ये बात समझ में आ गई? सभी बच्चों को थम्स अप भेजेंगे, एक बार सभी बच्चे थम्स अप भेजेंगे। कितने बच्चों को क्लियर हो गया? ओके ओके डन। चलिए जी, देखो बच्चों, यहां पर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है वो दिखाई दे रहा है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन दान किए जा रहे हैं और यहां ग्रहण किए जा रहे हैं, हाँ या ना? और बीच में ऐसी स्थिति है जहां पर इलेक्ट्रॉन रुक गए हैं, ना तो दान किए जा रहे हैं ना ही ग्रहण किए जा रहे हैं, है ना? वो स्थिति क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। क्या होती है बेटा? रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। यस और नो? यस और नो, क्लियर है? ओके डन। चलिए जी, अब आते हैं अपन ऑक्सीकरण प्रतिक्रियाओं पर। बच्चों ऑक्सीकरण कब कब होता है, सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे कि ऑक्सीकरण में आपको क्या क्या चाहिए होता है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है बेटा? ऑक्सीकरण कहलाता है। किसका जुड़ना भाई? ऑक्सीजन का जुड़ना, हाँ या ना? जैसे Mg plus O2 is equal to MgO, हाँ या ना? क्या हो गया इसका? ऑक्सीकरण। यस और नो? यस और नो, जल्दी बताओ बेटा, यस और नो? ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ते ही क्या बन गया? MgO, राइट? हाँ या ना? सबका क्लियर है? बिल्कुल। अब आगे चलते हैं, इसके बाद सेकंड
ऋण विद्युतत्व में वृद्धि, ऋण विद्युती तत्व में वृद्धि, हाँ या ना? अच्छा पहले मुझे ये बताओ, ये मैं बाद में बताऊंगी, आप में से कितने बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं? सच सच बताओ, आप में से कितने बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठे हैं? जल्दी बताइए, आप में से कितने बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठे हैं क्लास के लिए, बताइए। जल्दी बताओ कितने बच्चे, देखो कितने बच्चे हैं जो कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, जल्दी बताइए। ललित भैया जो भी हैं वो नहीं लेकर बैठे हैं, जो बच्चे नो कह रहे हैं, जो बच्चे लेकर बैठे हैं वो बच्चे पढ़ें और कमेंट सेक्शन में कम बातें करें, पढ़ाई पे ध्यान दोगे तभी दिख सही है। जो कॉपी पेन नहीं लेके बैठे वो ऐसे ही है, वो इलेवेंथ में नहीं है क्या? मैं नहीं बैठा हूं, बैठी हूं वर्षा ठाकुर, क्यों भाई पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है, है? बेटा पढ़ने वाले के लिए लाइट नेट कोई भी बैरियर नहीं होता है पता है, पर आप पढ़ते नहीं हो इसलिए दिक्कत हो जाती है। सभी बच्चे, जितने बच्चे नहीं लेकर बैठे हैं सभी लेकर आओ, जल्दी लाओ और बैठ के पढ़ाई करो भाई। बेटा तुम लोग कहते हो ना हमारे पास पैसे नहीं है, हम बैच नहीं खरीद सकते, अभी तो यहां तुम्हें फ्री में पढ़ाया जा रहा है ना। बेटा बिना कॉपी किताब कुछ समझ में नहीं आता है, एक कान से सुनता है दूसरे से निकल जाता है पता है, वो रुकता नहीं है, है ना? अच्छा आप लोग थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मेरी, थोड़ी बहुत करते हैं मैम से, थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करते हो मैम की, यस और नो? बिल्कुल कुसुम सही कह रही है मैम, जो आसानी से मिलता है ना उसकी कदर नहीं है। थोड़ी बहुत प्यार करते हो मेरे से, बहुत करते हो, तो बेटा मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग अब से मेरी क्लास में कॉपी पेन लेकर बैठोगे, हाँ बैठोगे कि नहीं जल्दी बताओ। हाँ प्यार करते हो कि नहीं करते हो तुम लोग बताओ, करते हो तो फिर मेरी बात मानोगे? आप लोग डेली मेरी क्लास लेते हो ना, तो फिर एक काम करो आपसे कॉपी पेन जरूर लेके बैठना। देखो बेटा हम बहुत मेहनत से आप लोगों को इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप बच्चों के अच्छे नंबर आए, कल आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर बने, और आप बनेंगे ये मुझे विश्वास है, लेकिन उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा, है ना? आईएएस ऑफिसर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पर बनेंगे ना उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ पढ़ना नहीं पड़ेगा, प्रॉमिस कितने बच्चे कर रहे हैं कि मैम हम रोज लेकर बैठेंगे, जितने बच्चे आए हैं प्रॉमिस टू मी, जल्दी प्रॉमिस फटाफट कर दो मैम को, जल्दी से फटाफट, जितने बच्चे बोले ना कि मैम हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, जल्दी से प्रॉमिस कर दो फिर फटाफट, जल्दी 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 बताओ, है ना? प्रॉमिस फटाफट कर दो, प्रॉमिस जल्दी से,
थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखो मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि बेटा पढ़ लो, हाथ जोड़ कर कह रही है तुम्हारी माँ, है ना, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना, है ना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ बेटा पढ़ाई करना, अब बातें नहीं करना प्लीज, अब नहीं करेंगे, अब सब पढ़ेंगे मेरे से, है ना, पढ़ोगे ना सब, है ना, ओके, थैंक यू सो मच, लव यू बच्चों, लव यू सो मच, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। विद्युत ऋण विद्युत तत्व में वृद्धि, ऋण विद्युत तत्व में वृद्धि का मतलब ऋणात्मक जो होते हैं कोई तत्व का जुड़ना, जैसे Mg प्लस Cl2। बेटा Cl क्या है, ऋण विद्युत तत्व है, क्या है, ऋण विद्युत तत्व है। अब ये किसके साथ जुड़ेगा, मैग्नीशियम के साथ, किसके साथ जुड़ेगा, कोई बात नहीं, बुक की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ा रही हूं ना आपको, आपको जरूरत ही नहीं है बुक की, ठीक है, चले आ जाओ। तो क्या बनेगा, MgCl2, क्लियर, ऋण विद्युत तत्व था ये, इसके साथ जुड़ गया तो क्या बन गया, MgCl2, यानी इसके अंदर क्या हो गई, ऋण विद्युत तत्व की वृद्धि हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ऐसे ही अगर अपने पास Cu है और आपने Cl2 को जोड़ दिया तो बेटा इसका क्या हो रहा है, Cu का क्या हो रहा है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, Cu का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण की अपचयन, जल्दी बताइए Cu का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण या अपचयन, जल्दी से बता दीजिए फटाफट, Cu Cl2, Cu का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण या अपचयन, Cu का ऑक्सीडेशन हो रहा है। शबनम वेरी गुड बेटा, एकता पूजा प्रज्ञा वेरी नाइस, वेरी नाइस, पद्मलोचन क्या नाम है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा, चले आइए जी, अब चलते हैं आगे, हाइड्रोजन आयन की कमी, हाइड्रोजन आयन में कमी। देखो बेटा इधर सामने CuH2 Cu प्लस H2, इसमें से हाइड्रोजन निकल गया, चलें बेटा जल्दी से बताओ इसमें कॉपर का क्या हो रहा है, जल्दी से बताइए सभी बच्चे, कॉपर का क्या हो रहा है बेटा यहां पर, कॉपर का क्या हो रहा है यहां पर, ऑक्सीकरण या अपचयन, जल्दी बताओ कॉपर का क्या हो रहा है, क्या बात है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि क्योंकि यहां से क्या निकल रहा है, जुड़ रहा है इसके, क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन, यस और नो, अरे हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण होता है, चलें आओ आगे चलते हैं, धन विद्युती तत्व में कमी, धन विद्युती तत्व में कमी, धन विद्युती तत्व में कमी, कैसे बच्चों जल्दी से बताओ, धन विद्युती तत्व में कमी कैसे हो रही है, देखो सामने अगर अपने पास क्या है, Cu2O, सही है, हाँ या ना, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, पोटेशियम आयोडाइड में से पोटेशियम अलग, आई टू अलग, हाँ या ना, इसमें से क्या हो गया, आयोडीन में से क्या हो गया, पोटेशियम अलग हो गया, तो क्या हुआ,
जल्दी बताओ क्या बना? ऑक्सीकरण। कोई बात नहीं, नहीं मिल रही तो जाने दो, चलें चलें। समझ में आया ऑक्सीकरण सब बच्चों को, हाँ या ना? जल्दी बताओ कितने बच्चों को ऑक्सीडेशन क्लियर हो गया? ओके ओके डन। आ जाइए जी, आप चलते हैं आगे अपचयन की ओर। अपचयन जल्दी से बच्चों एग्जाम्पल बताओ, अपचयन का एग्जाम्पल लिख के भेजो फटाफट, जल्दी से एग्जाम्पल लिख के भेजो। अपचयन किसे कहते हैं? पहला हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। जल्दी बताओ भाई। शबनम बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, जल्दी बताओ हाइड्रोजन का जुड़ना एग्जाम्पल बताइए जल्दी से। H2S हाइड्रोजन सल्फर के साथ जुड़ गया, क्या हुआ? अपचयन। सेकंड ऋण विद्युती तत्व में कमी, ऋण विद्युती तत्व में कमी, फॉर एग्जाम्पल जल्दी से बताइए ऋण विद्युत तत्व में कमी का एग्जाम्पल। 2FeCl3 इजिकल टू 2Fe+3Cl2। देखो यहां पर ClFe के साथ था, यहां अलग हो गया तो क्या बना? जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल बेटा, वेरी गुड, शाबाश 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 बेटा। ऋण विद्युत तत्व का क्लियर। अब आओ भाई धन विद्युती तत्व का जुड़ना, धन विद्युती तत्व का जुड़ना जल्दी बताओ। Mg+Cl2 = MgCl2। यहां पर क्लोरीन का क्या हो रहा है? अपचयन, हाँ या ना? क्लोरीन का क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होते हैं, क्लियर? चलें बेटा, बात समझ आई या नहीं आई? वेरी गुड आरजू, वेरी गुड। चलें ऑक्सीजन आयन की कमी, ऑक्सीजन आयन की कमी बच्चों ध्यान दो। H2O+O2। देखो जल्दी से यहां से ऑक्सीजन में कमी आ गई, क्या हो रहा है? अपचयन, हाँ या ना? जल्दी बताइए यस और नो। पूजा मिश्रा बेटा कहाँ दिक्कत आई? बेटा यहाँ ऑक्सीजन दो थे हाइड्रोजन के साथ, यहाँ एक है तो क्या हो गया? अपचयन।
सही है, क्लियर है पूजा? आप ठीक है बेटा, अब समझ आया कि नहीं आया? पायल, पूजा, मैम H2O रहेगा बिल्कुल। ऑक्सीजन की कमी हो गई ना, यहाँ दो ऑक्सीजन थे यहाँ एक, तो ऑक्सीजन आयन में कमी को क्या कहते हैं? चले बेटा, ऑक्सीजन आयन का समझ में आ गया सबको? अच्छा ऋणायन वाला समझ नहीं आया, ये धनायन वाला है, ऋणायन वाला कहाँ है? वो तो पीछे गया। शबनम, पायल, पूजा, नाउ इट इज क्लियर? ठीक है बेटा, अब तो जल्दी बताओ भाई, आप लोग इतना समय ले लेते हैं यार बोलने में भी, क्या कर रहे हो तुम? हाँ Cl2 जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, और मैग्नीशियम जुड़ रहा है तो अपचयन। ठीक है सबका क्लियर? एक बार थम्स अप भेजो सभी बच्चे, एक बार थम्स अप। पूनम मैम क्लियर, क्या बात क्या बात क्या बात, नजर ना लगे तुम बच्चों को, मेरे प्यारे प्यारे बाल गोपाल को। क्रेजी विपुल, विपुल थोड़ा ध्यान दे राजा, तब समझ आएगा। चलो भाई अब चलते हैं आगे। अब देखो बच्चों, हमने यहाँ ऑक्सीजन के आधार पर देख लिया, तत्वों के आधार पर देख लिया, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन देखेंगे। इलेक्ट्रॉन के आधार पर यानी इलेक्ट्रॉन दान देने पर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर क्या होता है? बच्चों आप लोग कम से कम 150 बच्चे लाइव हो, है ना, तो कम से कम 150 लाइक भी तो होने चाहिए। जल्दी से सभी बच्चे लाइक करेंगे फटाफट, जितने बच्चे देख रहे हैं सब आता है। अच्छा अभी आपको कोई कह दे कि इन भगवान की पूजा करो आपको पढ़ाई आने लग जाएगी, आप विश्वास करते हो ना, करते हो ना, मानते हो ना फिर ये बात कि हाँ, कि कोई कह दे कि शिव जी की पूजा करो आपको विद्या आ जाएगी तो आप करना शुरू कर देंगे, हाँ या ना? सब पे विश्वास है आपको, है ना? कोई भी तुम्हें कोई धर्म से कह दे, कोई भी दूसरा व्यक्ति तुम्हें कह दे, सब पे विश्वास है। केवल विश्वास किस पर नहीं है? खुद पर नहीं है, खुद पर यकीन है ही नहीं। जल्दी लाइक करो सभी बच्चे, इसलिए खुद पर विश्वास रखो कि मैं मेहनत करूंगा करूंगी और मैं सफल जरूर होऊंगी। सुबह उठकर आज से ये सब बच्चे मेरे साथ एक प्रॉमिस करो, सुबह उठकर सभी बच्चे खुद से ये बात जरूर करेंगे कि मैं एक दिन सफल जरूर होऊंगा, मैं एक दिन सफल जरूर होऊंगा। बोलोगे कि नहीं आज से, हाँ या ना? सब बच्चे लाइक करो, मैं लाइक की हूं मैम, लाइक कहां किए हो? हाँ मेहनत के साथ साथ खुद पर विश्वास भी रखो, विश्वास डगमगा जाता है तुम लोगों का। आज से डेली बोलना, फिर देखो तुम लोगों में कितना इनोवेशन होता है, तुम लोग कितना पढ़ना शुरू करोगे। ओके ओके चलें। वो नहीं गाते हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। राइट सही है,
अब ठीक है, चलें। ओके डन। तो फटाफट क्लास को इसी बात पे एक बार शेयर कर दो, जल्दी से सभी बच्चे शेयर करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। आप बच्चे बनोगे ना उस दिन मैं सिंगर बन जाऊंगी, आ जाओ चलें। अब इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन सब बच्चे देखेंगे। ऑक्सीकरण और अपचयन, क्लियर? आओ भाई, ऑक्सीकरण क्या होता है? ओके ओके, जल्दी सभी बच्चे कर दो। हाँ सही बात है। आओ भाई, पहला परमाणु से धनायन का बनना, धनायन का बनना यानी इलेक्ट्रॉन का क्या करना, दान करना। यहां देखो, परमाणु से धनायन, Fe इज इक्वल टू Fe प्लस टू प्लस दो इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन का दान हुआ बच्चों, जल्दी बताओ। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। चलो बच्चों जल्दी से बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन का दान हुआ है? मेरे तो लड़के लड़की दोनों बराबर हैं, तुम सब राजा ही हो, जल्दी बताओ कितने इलेक्ट्रॉन का दान हो रहा है? भाई साहब जल्दी बताइए, दो। ओके डन। अब आता है अगला, इलेक्ट्रॉन का दान हो गया, अस से इक में बदलना, एस से इक में बदलना। Fe प्लस टू से Fe प्लस थ्री में कितने इलेक्ट्रॉन का दान हुआ बच्चों, जल्दी बताओ, बताएंगे। पहले ये तो पढ़ो, चैप्टर तो पूरे होन दो, चलें। जल्दी जल्दी बताओ, यस और नो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब अपचयन आप बताएंगे सब मुझे, क्या लिखूं? धनायन से परमाणु का बनना, सही है हाँ या ना? Fe प्लस टू दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, Fe में कन्वर्ट हो गया, हाँ या ना? Fe में पास दो इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसने दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और परमाणु में बदल गया, तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। क्या हो गया बेटा, जल्दी बताइए क्या हुआ? जल्दी बताइए, यस और नो? अरे बोलो भाई, क्या हालचाल है, जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी बताओ यार, तुम बहुत ही ढीले ढेले बच्चे हो सच में, बात करते हो पता नहीं क्या कर रहे हो। ओके डन। सेकंड, एक से एस में बदलना, Fe प्लस थ्री से Fe प्लस टू में, हाँ या ना? कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुए बच्चों,
रोहित बेटा पढ़ ले, डन। अब आ जाओ भाई, इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना की बात आती है, ऑक्सीकरणांक संकल्पना। बच्चों ऑक्सीकरणांक संकल्पना क्या होती है सब ध्यान से देखेंगे। ऑक्सीकरणांक में ऑक्सीकरण अपचयन का क्या मतलब है? ऑक्सीकरण सब बच्चे उतारेंगे और अपचयन क्या मतलब होता है सब बच्चे उतारेंगे बोर्ड से। धनायन में वृद्धि तो ऑक्सीकरण, धनायन में कमी तो अपचयन। यानी ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि। बेटा ऑक्सीकरण अंक हमेशा प्लस में होता है, माइनस में कभी नहीं होता। ये बात आप सब बच्चे ध्यान से सुन ले, में वृद्धि और यहां पर ऑक्सीकरण अंक में कमी। सब बच्चों को क्लियर है? यस और नो जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, सभी को क्लियर है ये टॉपिक? अरे बोलो भाई, हाँ या ना, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताइए, हाँ या ना, यस और नो, क्लियर? ओके डन। आ जाइए जी, अब बच्चों ऑक्सीकरण अंक निकालना सीखते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे बोर्ड पर, ऑक्सीकरण अंक निकालना। बच्चों बोर्ड पे ध्यान देंगे सभी। K2 Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरणांक यानी ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, कैसे निकालेंगे? जल्दी देखो इधर सामने बोर्ड पर, कैसे निकालेंगे? K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं? सभी बच्चे यहां से देख लेना, अगर आज नहीं सीखा तो फिर कभी नहीं आएगा। जल्दी, पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है? +1। पोटेशियम है कितने? 2। प्लस क्रोमियम कितने हैं? 2। पर इसका तो निकालना है तो x मान लो। सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देना, प्लस ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है? -2। ऑक्सीजन है कितने? 7। हाँ या ना, हाँ बिल्कुल। यहां आया 2 + 2x -14, 2x = 14 -2, 2x = कितना आया भाई? जल्दी बताओ, 12। x = कितना आया? जल्दी बताइए सभी बच्चे, क्रोमियम पर कितना चार्ज आएगा? जल्दी, 6। बिल्कुल। चलो अब मैं दे रही हूं इसका बताओ, H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, जल्दी बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट, जल्दी से बताइए, जल्दी बेटा। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे कितने बच्चे देखे अभी, जल्दी जल्दी बताएंगे। जल्दी बताओ इसका आंसर,
जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ ध्यान तो कहीं और है, तभी तो नहीं आता है। बच्चों पढ़ लिया करो राजा, ताकि तुम लोगों का जीवन सुधर जाए। हैं इसका बताओ सल्फर का कितना आएगा? हाइड्रोजन का प्लस वन होता है ऑक्सीजन, प्लस सल्फर एक्स, माइनस दो ऑक्सीजन कितने? चार। दो प्लस एक्स माइनस आठ, एक्स बराबर आठ माइनस दो छ, हाँ या ना? कितने बच्चों का सही है? चले बात समझ आई सबको? यस और नो? ओके 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 डन। चलो जी आगे चलते हैं। अब इसका बताओ जल्दी से, MnO4 में मैग्नीज का बताओ जल्दी। देखे कौन पहले आंसर करता है, जल्दी 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 बेटा, जल्दी 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 फटाफट। सबका क्लियर हो जाना चाहिए ये टॉपिक आज। जल्दी 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 फटाफट फटाफट कोई बात कर लो। देखो ये बात करने के लिए मरे जा रहे हैं नालायक बच्चे। पढ़ लो जल्दी, बताइए कितना आएगा? क्या बात है क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। सबका आंसर आ रहा है एट। ओके डन, शाबाश बेटा, वेरी नाइस वेरी नाइस, शाबाश। क्या यार तुम तो जुग जुग जियो मेरे लाल। अच्छा एक और एक और एक और बताइए, HClO4 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए जल्दी। Within 2 minutes, you give me the answer right now. जल्दी से बता दीजिए फटाफट, जल्दी बेटा। ओके 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 डन, जल्दी यार जल्दी, ये तो गलत बात है। बच्चों क्लास को शेयर तो करो, तुम कर क्या रहे हो? चलें ओके ओके ओके, सभी बच्चों की आ रही है 7। क्या बात है, प्लस 7, वेरी नाइस वेरी नाइस, शाबाश बेटा। यानी कि ऑक्सीडेशन निकालना आ गया सबको, सभी बच्चों को आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, जल्दी बताओ। अच्छा एक और एक और, H2S2O7 में सल्फर की बताओ जल्दी से, जल्दी बेटा जल्दी बताओ फटाफट। जल्दी से बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। फटाफट सभी बच्चे, किसी का 6 किसी का 7 कैसे आ रहा है? हाँ सबका 6 आ रहा है। ओके 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 वेरी गुड, सभी का कितना आ रहा है भाई? 6, क्या बात है शाबाश वेरी गुड। तो इसका मतलब सबको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आ गया ना? तो अब पापचय अभिक्रियाओं को संतुलित करने की विधि क्या होती है, यानी कि
अगर आपको ये कह दिया जाए कि रेडॉक्स रिएक्शन को हम संतुलित कैसे करते हैं, तो उसमें कौन कौन सी विधियां काम में आती है, तो थोड़ा सा ध्यान लगाकर आज की क्लास को धैर्य से समझने की कोशिश करना। ओके, बातें कम काम ज्यादा। तो सबसे पहले कहा गया है कि रेडॉक्स अभिक्रियाओं के लिए संतुलन के लिए दो विधियां काम में आती है, जिसमें से एक है ऑक्सीकरण संख्या और दूसरी है बेटा अर्ध अभिक्रिया। दूसरी क्या है भाई बच्चों? दूसरी अभिक्रिया है उपापचय अभिक्रियाओं को दो भागों में विभक्त करके, यानी कि अर्ध अभिक्रिया के रूप में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, चले, ओके, डन। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या विधि क्या होती है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। अन्य अभिक्रियाओं की भांति ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के लिए भी क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ तथा बनने वाले उत्पादों के सूत्र ज्ञात होने चाहिए। इन पदों द्वारा ऑक्सीकरण व संख्या विधि को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। पहले सबसे पहले आपको ऑक्सीकरण अंक विधि में सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कौन सा सूत्र लिखा गया है, यानी कौन सी रिएक्शन दी गई है, राइट? उसके बाद आपको उसी अभिक्रिया में परमाणु को देखना है कि किस किस का, किस परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। ऑक्सीकरण संख्या आप सबको निकालनी आती है, मैंने आपको बताई हुई है। उसके बाद में आपको ये देखना है कि दो पदार्थ में से कौन सा ऑक्सीकृत हो रहा है और कौन सा अपचयित है, और किसके ऑक्सीकरण में कितने ऑक्सीकरण अंक की वृद्धि और कमी हो रही है। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी? तो सबसे पहले अपने को यही बातें ध्यान में रखनी है। अगला पद है जो आपको पता होना चाहिए बेटा, यह है कि निश्चित कर लें कि यदि अभिक्रिया जलीय माध्यम में हो रही है तो वहां H और OH दोनों होने चाहिए, यदि अम्लीय माध्यम में है तो वो H के साथ होगा, और यदि क्षारीय माध्यम में है तो OH का जुड़ाव होना चाहिए। अगला ये कहता है, अगली पद जो है संतुलित करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अभिकारक और उत्पाद में जल के अणु जोड़ करके रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित कर लेना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया जो है वो संतुलित है या नहीं। तो चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक रिएक्शन लिखकर मैं दे रही हूं और धीरे धीरे वो रिएक्शन को हम संतुलित करेंगे। सभी बच्चे मेरे साथ साथ कॉपी पेन लेकर बैठो और मेरे साथ साथ करना है। जिसको जहां भी दिक्कत हो वो बच्चा मुझे वहीं रोक ले और पूछ ले कि मैम यहां पर ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आज का जो ये टॉपिक है ये एग्जाम में 101% आएगा। मैं आपको बार बार कह रही हूं, 12 साल का अनुभव कभी झूठ नहीं बोलता बेटा, इसलिए थोड़ा सा धैर्य करके सुनो और मेरे साथ कॉपी पेन लेकर जरूर बैठ जाना, ठीक है? और बातें नहीं करोगे, प्रॉमिस टू मी कि आप बातें नहीं करेंगे। सभी बच्चे प्रॉमिस करो, जल्दी से प्रॉमिस कर दो, जल्दी जल्दी प्रॉमिस करो। जल्दी से प्रॉमिस करो। रेशमा, अमन, ज्योति, फटाफट। ओके, चलिए आ जाइए, फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन में लिख रही हूं बच्चों, ध्यान देना। आपके पास एक रिएक्शन है Cr2O7-2+ SO3-2 = Cr+3+SO4-2 और यह अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में हो रही है। यह ऐसी की ऐसी आपके पेपर में आएगी, ऐसी लिखी हुई आएगी और आपको कहा जाएगा कि दी गई रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए ऑक्सीकरण अंक विधि से। तो आप कैसे करेंगे, कैसे संतुलित करेंगे? सबसे पहले आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर तत्वों को देखना है। यहां पर आपके पास केवल दो ही तत्व हैं, एक तो क्रोमियम है और एक सल्फर है। यस और नो? यस और नो बेटा, जल्दी बताओ। दो ही तत्व है, सबका सबका नहीं,
केवल क्रोमियम और सल्फर का ही आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। क्लियर है? तो आइए चले, आइए जी। तो यहां पर देखो, सबसे पहले क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6, यहां पर है +4, यहां पर है +3 और यहां पर है +6। क्या है यहां पर? +6। हां या ना? हां या ना बच्चों? बिल्कुल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर देखो कि किसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम बाद में भी संतुलित करेंगे। हां या ना? कोई बात नहीं, पेन नहीं चल रहा है तो दूसरा पेन लो, कोई बात नहीं मान्यता, पर अभी कंटिन्यू देखो। ये बात सबको समझ में आई? अब एक चीज नोट करेंगे, ऑक्सीकरण अंक जो है, सभी बच्चे नोट करेंगे जो मैं बात बोल रही हूं, क्रोमियम तथा सल्फर में ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी व वृद्धि को बराबर करने पर के लिए क्या करना है? सामने बोर्ड पर देखिए सभी भैया बहन, यहां पर आपको दिख रहा है कि क्रोमियम जो है +6 है, क्रोमियम पर क्या है बेटा? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 हो गया, यानी क्या हो गई? 3 की कमी, 3 की कमी हुई तो यहां क्या हो गया? अपचयन। और जिसका अपचयन होता है वो खुद क्या होता है बेटा? ऑक्सीकारक होता है। हां या ना? और वहीं पर सल्फर की बात करूं राजा, तो +4 से क्या हो गया? +6, यानी 2 की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। हां या ना? तो यहां क्या हो गया? ऑक्सीकरण, यानी ये क्या है? अपचायक है। क्या है बेटा? अपचायक है। यस और नो? यस और नो, जल्दी से बताओ, बात समझ आई या नहीं? कितने बच्चों का ये क्लियर हो गया है जल्दी बताओ? सबका क्लियर यहां तक? यहां तक कितने बच्चों का क्लियर है? थम्स अप भेज दो फटाफट, जल्दी से थम्स अप भेजो। जल्दी बेटा, ओके डन, सबका क्लियर है? आई तो अब अपने को इनको बराबर करना है, तो क्या करना है बेटा? क्रोमियम 1 नंबर और ये, अब क्रोमियम को कितने से गुणा करोगे बच्चों? ध्यान, क्रोमियम को 2 से गुणा करेंगे और सल्फर को 3 से। हां या ना? दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट को बराबर करने के लिए क्रोमियम को किससे गुणा करोगे? 2 से और इसको 3 से। देखो करते हैं, सामने बोर्ड पर सभी बच्चे देखेंगे, Cr2O7 -2 +3SO3 -2 = 2Cr +3 +3SO4 -2। ठीक है, अब देखो कमी वृद्धि देखें, सब बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे, सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे। क्रोमियम की +6 थी, इसकी 6, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी? 6।
यहां कितनी थी भाई? तीन ही तो थी। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी यहां? प्लस तीन। हाँ या ना? और यहां कितनी थी? प्लस फोर। आओ बच्चों, 12 ऑक्सीडेशन स्टेट, 12 ऑक्सीडेशन स्टेट, 6 ऑक्सीडेशन स्टेट, 18 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, सामने बोर्ड पर देखो सभी बच्चे, क्रोमियम की 12 से 6 की कमी, सल्फर की 12 से 18 6 की वृद्धि। बताओ कमी वृद्धि बराबर हुई या नहीं? जल्दी बताइए, कमी और वृद्धि बराबर हुई या नहीं? यस और नो, जल्दी बताओ। कितने बच्चों को यह बात क्लियर हो गई कि यस कमी और वृद्धि बराबर है? इसी के लिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ रहे थे, पता है? हाँ या ना? जल्दी क्लियर ना, ये एग्जाम में आएगा और इतना अच्छे से आपको कहीं पर भी नहीं समझाया गया है। ऑक्सीडेशन स्टेट संतुलित करने का ये बेस्ट मेथड है कि कमी और वृद्धि बराबर आ गए हैं। क्लियर? अरे अभी तो बताया कि ये जो है 3 की कमी है तो इसको 3 से गुणा करो, और यहां 2 की वृद्धि है तो क्रोमियम को 2 से गुणा करो। अभी बताया। चले डन, बात समझ आई? क्रोमियम और सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितनी कमी है, कितनी वृद्धि है, चेक करो। कमी वृद्धि जितनी है उनको क्रॉस में गुणा करो, मालूम चल जाएगा और बराबर आ जाएगा आंसर। हाँ या ना? कितने बच्चों का क्लियर? रिपीट कर दिया ना? ठीक है। अरे भाई यहां देखो ना तुम, 12 और 6, तो 12 में 6 गए, 6 की कमी तो हुई। यस और नो? यस और नो? ओके डन। अब आ जाओ भाई, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, जब ये कमी वृद्धि इक्वल हो चुकी है, अब आपको क्या करना है? अब आपको इसी समीकरण में अब करना है, ये समीकरण जो आपने लिखी हुई है, इस समीकरण में अब आपको करना है ऑक्सीजन को संतुलित। और ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए क्या करते हैं? H2O को जोड़ते हैं। सभी बच्चे ये सब चीजें नोट कर लेना बेटा। कितने बच्चे मेरे साथ साथ नोट कर रहे हैं ये बात? हाँ जी, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों साइड में करना है। अगर रिएक्टेंट में पहले से ही 2 लगा हुआ है तो नहीं करना है, अगर लगा हुआ है नहीं है तो लगाना है। ठीक है, चलिए चले। अब H2O जोड़ते हैं तो क्या करना है जी? Cr2O7 -2 प्लस SO3 -2 इज इक्वल टू Cr प्लस 3 2 प्लस 3SO4 -2। कितने ऑक्सीजन हैं यहां पर? कितने हैं? 7 और 6 3 9 कितने हैं? 16 ऑक्सीजन है, और यहां पर 12 ऑक्सीजन है। पता चल रहा है ना? अब कितने कम है? इस तरफ 4 कम है तो 4H2।
बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं, 2Cr2O7 होगा ना? नहीं शबनम, 2Cr2O7 कैसे होगा? फिर तो क्रोमियम 4 हो गए ना राजा। क्या ऐसी बात कर रहे हो तुम्हें? कुछ भी क्लियर है? अब चले। ओके ओके ओके, यहां तक सबको क्लियर हुआ? एक बार थम्स अप भेजेंगे जल्दी से। देखो 16 में से 12 गए, कितना बचा? 4। 4 ऑक्सीजन के लिए 4 H2O जोड़ दिए हैं। ऐसा तो आपने स्कूल में भी नहीं पढ़ा होगा जितना यहां फ्री यूट्यूब पर केवल डाउट नट ही दे सकता है। इतना बड़ा दिल केवल डाउट नट का ही हो सकता है, लिटरली। अब देखो इन आधे से ज्यादातर लोग केवल बातें कर रहे हैं, यहां इनकी लव स्टोरियां चल रही है। भाई साहब तुम्हें पढ़ना है कि नहीं? समझ तब आता है जब हम समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग तो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जो बच्चा क्लास में ही ध्यान दे रहा है, मैं 101% श्योर हूं कि उसको समझ में आएगा, चाहे कुछ हो जाए। चलें, चलो भाई अब हाइड्रोजन को संतुलित करो। कैसे? Cr2O7 -2 +3SO3 -2 = 2। इज़ीकल टू 2Cr+3 +3SO4 -2 +4H2। बेटा कितने हाइड्रोजन है इस तरफ? 4 × 2 = 8। तो यहां क्या कर दो? 8 हाइड्रोजन। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन को संतुलित करो। करें, आइए। Cr2O7 -2 +3SO3 -2 +8H+ = 2Cr+3 +3SO4 -2 +4H2। आवेश देखो बच्चों, -2 माइनस का 6, 3 × 3 = 9, प्लस का 8, ठीक है? अच्छा माइनस का 2 है ना, माइनस का 2 है ना, माइनस का 6, प्लस का 6, माइनस का 6, याओ माइनस का 8 प्लस का 8 बराबर बराबर, दोनों तरफ क्या है? 0 0 आवेश। इक्वल रासायनिक समीकरण क्या है बच्चों? संतुलित है। कितने बच्चों को क्लियर हुआ ये जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कितने बच्चों का ये क्लियर हो चुका है? अगर पढ़ना है तो पढ़ना ही होगा। एक भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तुम्हें पता चल रहा है कि तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारे पेरेंट्स ना बेटा तुम्हें पढ़ने के लिए बैठा के रखे हैं, फोन लेकर इतना महंगा रिचार्ज कराकर, वो सुबह से शाम तक,
तुम बच्चों के लिए दौड़ते इस धूप में और तुम बच्चे यहाँ पर बैठकर केवल बातें करते हो। रियली इट्स अ वेरी बैड थिंग। बेटा पढ़ लो, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ना है। बिना जीवन शिक्षा जो है, कहते हैं शिक्षा जो है हमेशा आपको आगे की ओर बढ़ाएगी, और ये जो बातें हैं वो आपके जीवन का पतन कर देगी। तो पढ़ लो बेटा। चलें, रेशमा ऑक्सीजन का, जहां ऑक्सीजन होता है वो जितने ऑक्सीजन की कमी होती है उतने H2O जोड़ दो, तो 16 में से 12 गए तो 4 ऑक्सीजन बचे ना। इधर 4 ऑक्सीजन की कमी है तो 4 H2O जोड़ दिए, खत्म। ठीक है रेशमा, सोचो यूट्यूब पे लाइव पढ़ाते हुए कौन आपका डाउट क्लियर करता है? बस डाउट नट डाउट क्लियर करता है, केवल मात्र डाउट नट है ऐसा अमेजिंग प्लेटफॉर्म जहां पर डाउट्स क्लियर हो जाते हैं फ्री में बच्चों के। चलें, ओके डन, चलते हैं आगे। अब आती है अर्ध अभिक्रिया विधि, यानी कि एक अभिक्रिया को दो भागों में बांटकर आपको उसको क्या करना है, संतुलित करना है। जरा ध्यान देंगे सभी बच्चे, इस विधि द्वारा दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को अलग अलग संतुलित करते हैं। Fe+2 Fe+3 आयन में डाइक्रोमेट आयन द्वारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है, जिसमें Cr2O2-7 आयनों का Cr+3 आयन में अपचयन होने के लिए हम इसे निम्नलिखित रूप से उठाते हैं। आप सभी को स्क्रीन पर एक रिएक्शन नजर आ रही है, आ रही है क्या? यस और नो? जल्दी बताइए। थैंक यू सो मच बेटा, बिल्कुल रेशमा। तनुजा अच्छा लग रहा है रिवीजन? हाँ या ना, जल्दी बताओ रिवीजन अच्छा लग रहा है कि नहीं? क्या बात है, थैंक यू सो मच बेटा। आ जाओ भाई सामने, देखो बोर्ड पर असंतुलित समीकरण है आपके पास। इस समीकरण को आपको क्या करना है, अर्ध अभिक्रिया में बदलना। बोर्ड पर ध्यान देंगे। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई काम नहीं है, इसलिए पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, दो अर्ध अभिक्रिया लिखनी है। अर्ध अभिक्रिया Fe+2 से क्या बन रहा है, Fe+3 और Cr2O7-2 से क्या बन रहा है, Cr+3। ठीक है, सबसे पहले सब बच्चे ध्यान से पढ़ो, फिर कहते हो मैम रिपीट रिपीट, अभी ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य तत्व को संतुलित करना। Fe+2 Fe+3, यहां पर तो Fe एक है, यहां पर भी एक है, संतुलित है, पर यहां पर क्रोमियम दो है, पर
पर इधर क्रोमियम एक है, तो क्या कर दें, दो लगा दें, ठीक है, यस और नो? चलें बेटा, बात समझ में आई या नहीं? पायल विश्वकर्मा, बेटा पढ़ाई भी तो जरूरी है, मैं केवल आपके कमेंट्स ही थोड़ी देखती रहूंगी, हैं? ओके डन। शबनम, चलें बेटा, एकता, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, हंसने वाले लोग ऐसे ही हंसेंगे, हमें पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। चलें, अब आओ बेटा, अब किसको लिखना है? अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संतुलित करना है, तो अब ऑक्सीजन को संतुलित करने पर सामने बोर्ड पर Fe+2, Fe+3, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, यहां है Cr2O7 - 2 = 2Cr+3, यहां कितने ऑक्सीजन है बेटा, 7, तो कितने H2O जोड़ेंगे, 7H2O, यस और नो? यस और नो बेटा? चलें, यस और नो? आइए जी, तो Cr2O7 - 2, 2Cr+3, 7H2O। अब हाइड्रोजन को संतुलित करने पर जल्दी से बच्चों बताइए, हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे। Fe+2 = Fe+3 में तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, हाँ या ना? तो यहां पर देखो Cr2O7 - 2 + कितने हाइड्रोजन है यहाँ, 14, जोड़ दो भाई, 14H+ = 2Cr+3 + 7H2O, ओके, यस और नो, जल्दी से बताओ, यस और नो बेटा, 14, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। अब दोनों में इलेक्ट्रॉन को संतुलित करो, पहले तो अलग अलग करो फिर साथ में करेंगे, यहां कितने हैं Fe+2 से Fe+3, यानी कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, जल्दी बताइए कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, फटाफट आंसर बताइए, कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, जल्दी, वेरी गुड स्नेहा मौर्या, 1 इलेक्ट्रॉन, सेम इधर भी Cr2O7 - 2 + 14H+ = 2, कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन सेकेंड रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, जल्दी जल्दी, सेकेंड रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, फर्स्ट में 1, सेकेंड में, गिव मी द आंसर प्लीज, जल्दी जल्दी आंसर बताइए कितने, अरे बाबा 12 कैसे, यहां देखो जरा 14 इधर 12 6 इधर, यहां 6 तो है ना, तो 12 में से 6 ही तो बचे, 6 इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना, 6 भाई 5, तुम्हारी तो गणित भी बहुत ही मतलब वो है, हाई लेवल की है यार, हैं? इतने गणित अच्छी कैसे है तुम लोगों की, आई कांट बिलीव दिस रियली,
इतनी अच्छी भी गणित होती है किसी की? 12 में 6 जाने पर 5 बचते हैं, रियली नाइस है। कहाँ से पढ़े हो तुम? इतनी गणित कहाँ से जानी है तुमने हैं? कहाँ से पढ़े हो तुम इतनी अच्छी गणित को कि 12 में से 6 जाने पर 5 बचते हैं? नालायक हो, चलो इधर आओ। आगे देखो जी बच्चों, पार्टी दोनों रिएक्शन में देखो कितने इलेक्ट्रॉन, जल्दी से जल्दी जल्दी। Fe+2, Fe+3, +1 इलेक्ट्रॉन, Cr2O7, -2, +14H+, +6 इलेक्ट्रॉन (Cr+3, +4H2) राइट। देखो बेटा इधर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, इधर 1। समीकरण 1 को 6 से गुणा करने पर 2 को 1 से गुणा करने पर क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे। आ जाओ भाई, 6Fe+2+, जल्दी से सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में मेरे साथ करेंगे, (Fe+3, 6Fe+3, +6 इलेक्ट्रॉन एज सिमिलर एज (Cr2O7, -2, +14H+, +6 इलेक्ट्रॉन) = 2 (2Cr+3, +4H2) ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट, दोनों समीकरण को जोड़ो जी, जल्दी से जोड़ दीजिए। 6Fe+2+Cr2O7 -2 +14H+(6Fe+3, +2Cr+3, +4H2O) कितने बच्चों का क्लियर है जल्दी से बताइए, कितने बच्चों को ये रासायनिक समीकरण संतुलित करना आ गया है? जिसको संतुलित करना आ गया समझ लो। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं समझ आए बेटा? पहले इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन देखो किसमें कितने हैं, अलग अलग देखो, ठीक है, अलग अलग चेक करो किसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहां पर 2 है, यहां 3, तो 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। यहां पर यहां देखो यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, चेक करो ना भाई, -2 और +14 है, तो कितना बचा? +12 बचा। यहां पर +6 है, इधर क्या करूं, -6 कर दूं, तो 6 माइनस का तो इलेक्ट्रॉन ही होगा ना बेटा, तो 6 कर दिया। अब दोनों रिएक्शन को एक साथ मिक्सअप करके बताओ कि दोनों में बराबर इलेक्ट्रॉन है या नहीं, तो क्या करोगे? दोनों को बराबर करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की कमी है उससे उसको गुणा कर दो अल्टरनेट। यहां 1 था, यहां 6 है, इधर 6 से गुणा, इधर 1 से गुणा, दोनों बराबर हो गए, हाँ या ना, यस और नो? अब बात समझ में आई सुजीत, निशु? ओके ओके जान, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, उपापचय, ऑक्सीकरण अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रियाएं में प्रकार कितने होते हैं? चले हेमा, ओके डन। अब सुनो मेरी बात, सबसे पहले तो एक प्रॉमिस करो कि आप लोग पढ़ाई के वक्त कोई भी बच्चा बात नहीं करेगा, करो प्रॉमिस, करोगी कि नहीं जल्दी बताओ? आप सब पढ़ाई पे ध्यान देंगे या नहीं, जल्दी से प्रॉमिस करो फटाफट जल्दी। चंदन यादव, ध्यान पढ़ाई पे बेटा, प्रॉमिस करो, जल्दी करो।
जल्दी प्रॉमिस, कोई भी बच्चा बात नहीं करेगा पढ़ाई करते वक्त। उसके बाद जब मैं नहीं पढ़ा रही हूँ तब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, वो मैं आपको क्लियर करूंगी। ओके प्रॉमिस, ओके डन, सबने प्रॉमिस कर दिया, थैंक यू सो मच। आइए सबसे पहले अभिक्रिया का प्रकार कौन सा है बेटा, योग अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक परस्पर जुड़ते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, तो उसे योग अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन इसे रेडॉक्स अभिक्रिया में क्यों जोड़ा गया, वहां पर हमें क्या पढ़ना होता है? योग अभिक्रिया को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, राइट? यस और नो, यस और नो, हाँ या ना? आप एक योग अभिक्रिया को ए प्लस बी इज इक्वल टू सी लिख सकते हैं, हाँ या ना? डन, सब बच्चों को पता है, बिल्कुल सही बात है। ओके डन, आगे चलते हैं। तो ये कह रहा है ऐसी अभिक्रियाओं की रेडॉक्स अभिक्रियाएं होने के लिए ए और बी में से एक को या दोनों को तत्व रूप में होना चाहिए, यानी कि हमेशा जो भी आप रिएक्शन लिखें उसमें तत्व होना जरूरी है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, लिथियम। अगर वो केवल और केवल एक अणु फॉर्म में रहता है, मतलब वो तत्व रूप में एग्जिस्ट करता है। क्लियर, ध्यान से पढ़ लेना, इसके बाद इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगी, तो ध्यान से पढ़ लेना। अगला कहता है कि सभी दहन अभिक्रियाएं जिसमें तत्व रूप में ऑक्सीजन या अन्य अभिक्रियाएं संपन्न होती है। क्या कह रहा है? ऐसी सभी दहन, यानी जब किसी भी कार्बन को जिसे जलाया जाता है तो वो दहन अभिक्रिया है, राइट? कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो वो दहन अभिक्रिया हो गई। तो दहन अभिक्रियाओं में तत्व कार्बन है ना, कम से कम एक अभिकारक तो तत्व होना ही चाहिए। लाइक सी प्लस ओ टू इज इक्वल टू सी ओ टू, तो कार्बन एक क्या है बेटा, तत्व है। क्लियर है, यस और नो, यस और नो बेटा, जल्दी से बताओ बात समझ आई या नहीं, जल्दी यस और नो। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें डाई ऑक्सीजन के अतिरिक्त दूसरे तत्व का उपयोग हो रहा है वो अपचय उपचय अभिक्रिया कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। डन है, ओके, मामला सेट है बच्चों का एकदम, कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं, कोई शंका नहीं, नहीं है ना? जल्दी बताओ, गुड इवनिंग जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, क्लियर, ओके। चलिए इस श्रेणी में कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण भी है, जैसे कि नीचे अभिक्रियाओं में दर्शाया गया है, यानी अपन इसे किस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर एग्जाम में आया कि योग अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया हो सकती है, तो वो एग्जाम्पल आपको देखते ही याद हो जाएगा, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से देखो फटाफट, चंदन बेटा पढ़ लो। मैम समझ नहीं आया, रिया कहां समझ नहीं आया बेटा, कहां दिक्कत आ रही है, जल्दी पूछो कहां पर समझ नहीं आया, जल्दी से सभी बच्चे फटाफट, जिसको भी दिक्कत है, रिया कहां दिक्कत आ रही है बेटा, जल्दी से पूछ लो, क्योंकि समय। रेडॉक्स में रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है, क्लियर। अब ऑक्सीकरण अपचयन में आपको पता है ऑक्सीकरण कब होता है, जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, जब ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो अपचयन होता है, ठीक है। इस दौरान योग अभिक्रिया का क्या मतलब है, इस दौरान योग अभिक्रिया का मतलब कुछ नहीं, केवल इतना सा है कि जो रिएक्शन में आपको दो अभिकारक और एक प्रोडक्ट दिखे, सब बच्चे सुन लेना, दो अभिकारक एक प्रोडक्ट दिखे तो वो योग अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, योगज अभिक्रिया है, क्लियर बेटा।
बात समझ आई रिया? ओके डन है, ओके क्लियर, वेरी नाइस, डन, थैंक यू सो मच। अब आ जाओ, देखो यहां पर आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि यहां पर एक दो अभिकारक एक उत्पाद, दो अभिकारक एक उत्पाद, क्लियर है। और इसी रिएक्शन में आपको एक चीज देखनी है, देखो बेटा जीरो से प्लस फोर हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। तो यहां हो रहा है क्या बच्चों? ऑक्सीकरण। वहीं पर जीरो से घट रहा है, माइनस दो हो रहा है, मतलब हो रहा है अपचयन। इसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यस और नो? यस और नो बच्चों, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा। कोई बात नहीं मानसिंह, बच्चों को बातें करनी है करने दो बेटा, आप फोकस करो पढ़ाई पर। सभी बच्चे, मैंने अभी प्रॉमिस लिया था मैम का, प्रॉमिस इतना ही चलेगा क्या? इतना ही चलेगा क्या? हाँ इतना ही चलेगा क्या? प्रॉमिस गायब? प्रॉमिस इतना ही रहेगा क्या? क्लियर हुआ ना सबका? अच्छा लगा ना? आज तक हम लोग केवल और केवल किसी भी रिएक्शन में पढ़ते थे योगज अभिक्रिया, आज रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ रहे हैं, राइट? जल्दी से बताओ, बात क्लियर हुई तो थम्स अप भेजेंगे सभी बच्चे एक बार जल्दी से। मैम लास्ट स्टेप का एग्जांपल, इसमें आपने मेथेन को जलाया है, जला करके आपने मेथेन को किसमें कन्वर्ट किया? CO2, और वाटर जो है वो वाष्प बन के उड़ गया, तो अपने पास तो एक ही रिएक्टेंट रहा ना, सॉरी प्रोडक्ट रहा ना, CO2 ही रहा ना, वाटर मॉलिक्यूल काउंटेबल नहीं होता है, इसीलिए दो अभिकारक वन प्रोडक्ट, इट्स कॉल्ड योगज अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, योग अभिक्रिया, कई नामों से जाना जाता है। ओके यस और नो? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, क्लियर? हाँ हाइड्रोकार्बन करा दिया बेटा मैंने, सभी थम्स अप भेजेंगे एक बार, ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगला है अपघटन अभिक्रिया। बच्चों नाम से स्पष्ट है, अपघटन मतलब जुड़ी हुई चीज का टूट जाना, क्या कहलाता है? CO2 गैस है बट वो एग्जिस्ट करती है, पर वाटर नहीं करता। ओके ओके चले बेटा, कमेंट तब देखता है ना टीचर जब वो पढ़ा नहीं रहे होता है। मैं तो आपको फुल जोश के साथ पढ़ा रही हूं ताकि मेरे बच्चों का कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए, है ना? एक एक समय का, एक एक सेकंड इतना कीमती है कि मैं बता नहीं सकती हूं तुम्हें, बता नहीं सकती हूं। ओके चलें, आइए जी अगला है। अपघटन का मीनिंग समझ आया सभी को? टूटना, अपघटन मतलब टूटना। अब इस टूटने की अभिक्रिया में क्या होता है बेटा? एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट, वन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, क्या कहलाता है? अपघटन। दिस इज, ये रहा अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया की बिल्कुल विपरीत होती है। इस अभिक्रिया में हम देखते हैं, क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि अभिक्रिया के अंतर्गत उपस्थित यौगिक दो या दो से अधिक भागों में टूट जाते हैं, यानी कि आप कोई भी रिएक्शन यदि करा रहे हैं तो उस रिएक्शन के दौरान अगर आपके पास एक अभिकर्मक है तो वो दो प्रोडक्ट बनाएगा। कितने प्रोडक्ट बनाएगा राजा? दो प्रोडक्ट बनाएगा, हाँ या ना? जल्दी से बताओ, यस और नो? बात समझ आई? मैम वन क्वेश्चन, उदित, उदित अंशु प्लीज करो बेटा क्वेश्चन, क्या है जल्दी से पूछो। ओके डन, चलिए
इस श्रेणी के उदाहरण हम नीचे दी गई अभिक्रियाओं में देख सकते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पोटेशियम क्लोरेट के पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रिएक्शन के दौरान यदि आपके किसी तत्व में ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट चेंज, तो आप वहां पर देखेंगे कि अभिक्रिया क्या है, साम्य की अवस्था में, यानी कि अभिक्रिया स्थिर है, वो टूट नहीं रही है। यहां यह बात भी ध्यान रखने वाली है कि सभी अपघटन अभिक्रियाएं उपापचय नहीं होती है, यानी सभी अभिक्रियाएं रेडॉक्स रिएक्शन प्रदर्शित नहीं करती है। हो सकता है कि सभी रिएक्शन अपघटन नहीं हो, संयोजन नहीं हो, तो सभी अभिक्रियाएं रेडॉक्स भी नहीं होती है। क्लियर? हाँ या ना? यस और नो, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, यस और नो, क्लियर हुआ या नहीं सभी बच्चों का? सबका क्लियर? ओके, डन। ये रहा एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से देखो एग्जाम्पल्स। मैम स्क्रीनशॉट लेना है स्टार्टिंग का, बेटा अभी तो हम आगे बढ़ गए, लास्ट में जाते वक्त ले लेना। ओके, चलिए देखो भाई, सिंगल अभिकारक है, यस और नो, सिंगल अभिकर्मक है, सिंगल अभिकारक है, और कितने अभिकर उत्पाद में टूट रहा है, दो में, यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ कितना है अभिकारक, एक, कितने हैं उत्पाद, दो, जल्दी बताओ, हाँ या ना? एमएस सुफियान, बेटा जो दिक्कत है वो पूछोगे तभी समझ आएगी। राजा मैडम ऐसे तो कैसे बता पाएगी कि तुम बच्चों को क्या दिक्कत हो रही है? देखो सभी बच्चों का क्लियर हो रहा है, इससे बेटर डेफिनेशन नहीं हो सकता है, राइट? आ जाओ जल्दी से, चलो भाई, एक अभिकारक दो उत्पाद में टूटा, दिस इज द अपघटन अभिक्रिया, ठीक बात। अब क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है, क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है, जल्दी से चेक करो, चेक करो भाई, हाइड्रोजन प्लस वन से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो रही है, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हाइड्रोजन से इस हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण या अपचयन, जल्दी से आंसर करो, मैं टाइमर लगा रही हूं 10 सेकेंड का, जल्दी से आंसर करो फटाफट, सभी बच्चे 10 सेकेंड में आंसर करेंगे मुझे, जल्दी से, ये रहा आपका समय। अब जल्दी से बताओ कि H2O से H2 में ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन, टाइम इज अप, जल्दी बताइए क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण या अपचयन। ओके डन, सभी बच्चों का आंसर आया है अपचयन, वेरी नाइस। और यहां पर ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बच्चों, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में लिखकर, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण या अपचयन, कितने बच्चे हैं जो जल्दी से आंसर करेंगे फटाफट। जल्दी आंसर करेंगे सभी बच्चे, जल्दी 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 से आंसर करो, जल्दी बताइए बेटा, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। ओके डन, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण, वेरी नाइस। इसका मतलब पीछे की क्लास को आपने बहुत ही ध्यान से पढ़ा है, वेरी नाइस। ओके डन, अगले रिएक्शन, अगली रिएक्शन में बताएंगे सभी बच्चे, ऑक्सीकरण हो रहा है किसमें, अपचयन हो रहा है, जल्दी बताइए, ए और बी में, ए में क्या हो रहा है और बी में क्या हो रहा है, सभी बच्चे एवरीवन
प्लीज जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे, ए और बी में क्या क्या हो रहा है, जल्दी से, केवल 10 सेकंड दिए जा रहे हैं आप लोगों को, 10 सेकंड में आप आंसर करेंगे ए और बी में क्या हो रहा है। सभी बच्चे जल्दी बेटा फटाफट आंसर करो, ए बी सी, ए और बी में क्या हो रहा है, ए में अपचयन और बी में ऑक्सीकरण, ए में अपचयन और बी में ऑक्सीकरण, वेरी नाइस वेरी नाइस, रियली गुड गुड, वेरी गुड बेटा। चलो जी, तो इसका मतलब आपको अब तो पता चल गया है कि ऑक्सीकरण अपचयन कैसे होता है, राइट। आइए अब चलते हैं आगे, अब आता है अगला, विस्थापन अभिक्रिया में विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। बच्चों ध्यान करो, विस्थापन अभिक्रिया का क्या मतलब है, आपके दो दोस्त हैं, जैसे कि आप में से ही ले लो, दो भैया है, कोई भी सागर है और एक आर्मी लवर बॉय है, ठीक है। अब आर्मी लवर बॉय की जगह तो कौन आ गया भाई, कौन आ गया, कोई राजकुमार प्रजापति है वो आ गया, तो राजकुमार प्रजापति ने क्या कर दिया, लवर बॉय को क्या कर दिया, अपनी जगह से हटा दिया। उसके हटाते ही उसका क्या हो गया, विस्थापन हो गया, क्या हो गया, विस्थापन हो गया। जैसे ये पेन है, ये रिम और ये पेन है, ठीक है। अब यहां पर पेन की जगह चेंजर आ गया, ठीक, और पेन की जगह इसने ले ली, इसका मतलब इसका पेन का क्या हो गया, विस्थापन हो गया, क्या हो गया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या हो गया पेन का, विस्थापन हो गया राजा। तो विस्थापन किसे कहते हैं, अपनी जगह पर किसी और का आ जाना विस्थापन कहलाता है। चले बेटा, बात समझ आई, हाँ या ना, विस्थापन सबका क्लियर, ओके डन डन डन। आइए जी, तो विस्थापन अभिक्रियाओं में क्या होता है भाई, एक तत्व दूसरे को विस्थापित करता है, जैसे एक्स और वाई जेड में एक्स को किसने प्रतिस्थापित किया, वाई को, और उसकी जगह खुद आ गया और क्या बन गया, एक्स जेड प्लस वाई। विस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, धातु विस्थापन तथा अधातु विस्थापन। धातु विस्थापन का क्या मतलब होता है, ध्यान देंगे सभी बच्चे, धातु विस्थापन का मतलब होता है जिसमें एक धातु दूसरी का क्या कर देती है, अब विस्थापित कर देती है, धातु करती है तो धातु विस्थापन, अधातु करती है तो अधातु विस्थापन। इट इज क्लियर, यस और नो, जल्दी बताओ बच्चों, बातें नहीं करो बेटा, बातें करने लग गए हैं सभी बच्चे, बात करने लग गए हाँ? नहीं पढ़ना, कुसुम बातें क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मैंने देखा है बेटा अपने अनुभव में, मैं बता रही हूं तुम्हें, आज 12 साल से मैं तुम बच्चों को ही पढ़ा रही हूं, जो बच्चे क्लास में पढ़ने की बजाय बातें करते हैं वो लास्ट में अपनी मार्कशीट को देखकर रोते हैं, क्योंकि उस समय पढ़ा नहीं, फिर एग्जाम में कुछ आया नहीं। तो क्या आप भी वही चाहते हैं, हाँ? सभी बच्चे बात कर रहे हैं, सारे बच्चे, और मैंने आते से ही बोला था कि प्रॉमिस करो कि आप लोग बातें नहीं करोगे, पर आप सब बातें करने लग गए, यानी आप मैम से प्यार ही नहीं करते हो, नहीं करते हो ना मैम से प्यार, नो अगेन बिग बॉस जो बच्चा है वो कह रहा है कि मैम वही बच्चे, तो हमने अपने अनुभव से तो कुछ सीखा ही होगा, हाँ अनुभव बहुत कुछ सिखा जाता है बेटा,
बहुत कुछ सीखा जाता है। समझ आ रही है मेरी बात आपको? मेरी बात समझ आ रही है आपको? हैं, मेरी बात समझ आ रही है आपको कि अपन क्या कर रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा ध्यान करो तो अच्छा लगेगा। पढ़ाई पे ध्यान दो तो अच्छी बात है, नहीं तो समय हाथ से निकल जाएगा। फिर वो बात कहावत कही है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तुम्हारा टेंथ, तुम्हारा इलेवेंथ क्लास तुम्हारे ट्वेल्थ का बेस है। जो बच्चा इलेवेंथ अच्छे से पढ़ता है वो बच्चा ट्वेल्थ में टॉप जरूर करता है। तो प्लीज बच्चों, पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना? तो पढ़ाई करो, पढ़ाई में ही सब कुछ है ना? सार एक ही है बस। मैं कहाँ, अरे हम लोग गुस्सा नहीं करते, टीचर्स तो पेरेंट्स की तरह होते हैं और लेडी टीचर तो हमेशा एक माँ के जैसी होती है। माँ को कभी गुस्सा आता है? नहीं, बस वो थोड़ा सा डांट देती है, बाकी गुस्सा थोड़ी ना करती है बच्चों पर। तुम तो मेरे राजकुमार राजकुमारियाँ हो, है ना, मेरे दिल के टुकड़े हो, है ना? वो कहते हैं ना, दिल का कोई टुकड़ा कभी दिल से जुदा होता नहीं। तो आप वो हैं, है ना? कभी दिल से जुदा थोड़ी हो सकते हो। अपना है जो जैसा भी हो, अपना है वो दूजा नहीं। तो पढ़ाई करो हमेशा। इसीलिए मैं तुम्हें इतना समझाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग अभी बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा है, तुम समय में केवल बातों में गवा रहे हो राजा। प्लीज पढ़ाई दो, है ना? पढ़ा करो, पढ़ने में ही सार है। चलें, आइए। चलो भाई, एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है धातु विस्थापन का, आप देख सकते हैं। कॉपर सल्फेट जिंक, कॉपर जिंक सल्फेट, राइट? यस और नो? बिल्कुल। तो अब देखो, कॉपर सल्फेट में कॉपर धातु है और जिंक भी धातु है। अब देखो, अब ये ज्यादा क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है, इसलिए जिंक कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। ये बात तो आप सब जानते हैं, ये तो आप सब जानते हैं कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, करेक्ट? यस और नो? यस और नो, जल्दी बताओ, हाँ या ना, सही है कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना, फटाफट सभी बच्चे बताएंगे। यस, ओके, डन। तो यहां पर भी सेम, वेनेडियम और कैल्शियम में, कैल्शियम ने इसको विस्थापित कर दिया। मैग्नीशियम और टाइटेनियम में, टाइटेनियम को विस्थापित कर दिया। तो इस प्रकार जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं वो कम क्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित कर देती हैं, विस्थापित कर देती हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन, धातु विस्थापन कहते हैं। चले, क्लियर है? यस और नो, जल्दी से बताओ, सबका क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी थम्स अप भेजेंगे। यस और नो? ओके, डन, थैंक यू सो मच बेटा, क्लियर है? ओके, डन, थैंक यू। अगला है ए धातु विस्थापन, सभी क्षार धातु और कुछ मृदा धातुएं रेडॉक्स रिएक्टेंट रिडक्टेट होते हैं, शीतल जल से हाइड्रोजन का विस्थापन कर देते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, चलें बेटा, चलिए देखो स्क्रीन पर। सोडियम और हाइड्रोजन NaOH और H2, कैल्शियम H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2। यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन एक ए धातु है जिसे सोडियम ने प्रतिस्थापित कर दिया, हाइड्रोजन को अलग कर दिया। वहीं पर कैल्शियम धातु ने हाइड्रोजन को विस्थापित करके यहाँ हाइड्रोजन को निकाल दिया। हाइड्रोजन क्या है बेटा, एक ए धातु है, हाँ या ना? ए धातु का विस्थापन हो रहा है, यस और नो?
जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, यस और नो, ए धातु का विस्थापन हो रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी, यस और नो, सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे, यस और नो। हाँ बिल्कुल, इसे धातु विस्थापन कहते हैं। चलते हैं आगे, ये रहा मैग्नीशियम H2O, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सिमिलर एग्जांपल्स, Fe2H2O, Fe2O3, 3H2, डन, क्लियर? धातु है, धातु एक कैसे हो सकती है बेटा? धातु है, धातु में तो रात दिन का फर्क है राजा, है ना? धातु है, धातु कभी सेम नहीं हो सकता राजा। चलें आइए, बहुत सी धातु जो शीतल जल से क्रिया नहीं करती है, अम्लों से क्रिया करती है, हाइड्रोजन देती है, कैडमियम तथा टिन इसके उदाहरण हैं। क्लियर, यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ बेटा, सबका क्लियर है ये बात? कैसा लग रहा है जल्दी बताओ, कैसा लग रहा है आज का क्लास, कैसा लग रहा है जल्दी से बता दो फटाफट। और जितने बच्चे देख रहे हैं सभी पहले लाइक करो फटाफट, फिर मैं आगे वाली रिएक्शन बताती हूँ। फटाफट लाइक कर दो, जल्दी से फटाफट लाइक कर दो सभी बच्चे, और शेयर कर दो एक एक बार, सभी बच्चे शेयर करेंगे, लाइक और शेयर, बहुत अच्छा लग रहा है ना? तो एक बार सभी बच्चे शेयर कर दो क्लास को जम के। जल्दी जल्दी, बहुत अच्छा लग रहा है ना? तो एक बार शेयर कर दो जल्दी से क्लास को सभी बच्चे। थैंक यू सो मच बेटा, शेयर करो फटाफट क्लास को, लाइक और शेयर, शेयर भी कर दो जल्दी से। वेरी गुड, सभी बच्चे करो जल्दी जल्दी शेयर करो, कितने बच्चे करते देखे यार, आप लोग 150 स्टूडेंट देख रहे हो और लाइक और शेयर कर नहीं रहे हो। थैंक यू सो मच मेरे राजकुमारों, मेरे लाला, मेरा बेटा हैं, मेरा गोपाला, थैंक यू सो मच। हर बच्चे को अपनी माँ सुंदर ही दिखती है भाई, ये बात तो पता चल गई मुझे, क्योंकि मुझे हर बच्चा कहता है ना, तो मुझे ऐसा ही लगता है, क्या बात है मैम, 20 लोगों को शेयर किया है, वाह मेरे राजकुमारों हैं, थैंक यू। चलते हैं बच्चों आगे, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एग्जाम में आती ही आती है, असमानुपातन अभिक्रिया। बच्चों गौर से सुनना, गौर से सुनना कि असमानुपातन अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से, ध्यान से। एक अभिकारक जब उत्पाद बनाता है तो जैसे कि H2O2 है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण भी हो और ऑक्सीजन का अपचयन भी हो, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं असमानुपातन अभिक्रिया कहलाती है। कितना इजी है, कितना इजी है। असमानुपातन अभिक्रिया क्या होती है? किसी एक अभिकारक में से एक ही तत्व का ऑक्सीकरण भी हो, अपचयन भी हो, क्या कहलाता है? असमानुपातन अभिक्रिया कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप लोगों ने हाफ ईयरली दिया है तो आपने देखा होगा वहां पर ये क्वेश्चन आया ही, अगर आपके ये चैप्टर आया है तो वहां पर ये क्वेश्चन 101% आया है। मेरे से लिखवा लो, तुम ब्लैंक पेपर पर लिखवा लो, ये प्रश्न आता ही है, असमानुपातन अभिक्रिया, यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ आपको बात समझ आई या नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, क्लियर। अब आ जाओ,
जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को खत्म करते हैं। चलो, असमान अभिक्रिया विशेष प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। नाम से ही समझ सकते हैं कि अभिक्रिया में एक ही तत्व से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं होने से पाया जाता है, तो उसे असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। देखो, तत्व एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, क्लियर। तत्व एक ऑक्सीकरण अवस्था एक साथ ऑक्सीकृत अथवा अपचयित होता है। एक ही तत्व ऑक्सीकृत भी होता है और अपचयित भी होता है। सक्रिय पदार्थ का एक तत्व से कम तीन ऑक्सीकरण अवस्थाओं में प्रदर्शित किया जा सकता है। क्रियाशील पदार्थ में यह तत्व माध्यमिक ऑक्सीकरण अवस्था में हो सकता है तथा रासायनिक परिवर्तन में उस तत्व की उच्चतर और निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं हो सकती है। सल्फर क्लोरीन क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ऐसे ही लिखना है। देखो, ये रहा सामने स्क्रीन पर, देखो जल्दी से, दिख रहा है यस और नो? जल्दी से देखो बेटा, फटाफट। जिंक HCl, जेडन HCl टू एच टू, यहां देखो बेटा, जिंक, क्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, यस और नो? यस और नो, जल्दी बताओ। ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी। बस 5 मिनट और, लास्ट 5 मिनट्स ओनली, राइट? बात समझ में आई? सिमिलरली यहां पर भी ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी। तो इस प्रकार के अभिक्रियाएं जहां ऑक्सीकरण अपचयन साथ साथ चलता है, एक तत्व का असमानुपातन अभिक्रिया कहलाती है। चलो जी, फाइनली क्वेश्चन की बारी आ चुकी है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। जल्दी से बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण धातु का ऑक्सीकरण दर्शाता है? धातु का ऑक्सीकरण कौन दर्शाता है? जल्दी से आंसर करेंगे, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। जल्दी से बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? जल्दी बेटा, फटाफट जल्दी से बताइए, ए, बी, सी, डी में से क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? सभी बच्चे आंसर करेंगे, ए, बी, सी, डी में से कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन? ओके ओके ओके, जल्दी, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। द डी इज द करेक्ट ऑप्शन, वेरी नाइस। ए और बी दोनों, ए में और बी में दोनों में क्या होता है? ऑक्सीकरण हो रहा है। देखो, ऑक्सीकरण, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन दान हो रहा है और यहां पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अगला प्रश्न, अभिक्रिया C2O2-4MnO4-4Mn2+CO2H2O में अपचायक है, ए, बी, सी, डी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? जल्दी बताइए, ए, बी, सी, डी क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? जल्दी बेटा, देखो अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आपका आंसर आप ही के सामने है, लेकिन अगर ध्यान से नहीं पढ़ा है तो पढ़ने की आवश्यकता है राजा। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा करेक्ट, ए, बी, सी, डी। ये तो सबको आना चाहिए यार, ये गलत मत करो, तुम गलत नहीं करो यार, ऐसे मत करो। जल्दी बताओ क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, ए, बी, सी, डी। ओके ओके ओके, वेरी नाइस। जल्दी बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से क्या होगा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों? ए, C2O2-4। क्या कर रहे हो तुम यार, क्या कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो? नहीं पढ़ना है? एक ने भी आंसर नहीं दिया, नालायक सब बच्चे। चलो अगला प्रश्न, थर्ड, निम्नलिखित में से कौन प्रबल ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक क्या होता है जानते हो? जो स्वयं का अपचयन दूसरे का ऑक्सीकरण करते हैं वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं, हाँ या ना? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से बताओ जल्दी, ऑक्सीकारक कौन है?
ये जो बच्चा आंसर कर देगा मतलब वो बच्चा बहुत अच्छे से क्लियर है। ए बी सी डी में से करेक्ट ऑप्शन जल्दी बताइए, जल्दी बताओ ए बी सी डी में से। ओके डन, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन ए F2 इज द प्रबलतम ऑक्सीकारक। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु आयन का युग्म जलीय विलयन में प्रबलतम ऑक्सीकारक का काम करता है? जल्दी बताओ, ऑप्शन ए बी सी डी में से करेक्ट क्या होगा? जल्दी बताइए ए बी सी डी में से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, जल्दी। प्रबलतम ऑक्सीकारक है। ओके ओके जल्दी, ओके डन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो चलो बच्चों, आज की इस पाठशाला को यही विश्राम देते हैं। अगली क्लास में फिर नए जोश और नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। बट जाने से पहले कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। जल्दी से बता दीजिए आज की क्लास कैसी लगी है, फटाफट सभी बच्चे बताएंगे आज की क्लास कैसी लगी बच्चों। ओके ओके, तो चलिए बाय, टेक केयर एंड लव यू सो मच, थैंक यू।